Good morning students. In previous class we had discussed about the physical property of metal and non-metal. Then now further towards activity 4.8, take a round bottom flask. अब ये क्या है, एक तो एक लेबोरेटरी apparatus है. Apparatus means tools. समझ में आ रहा है, एक लेबोरेटरी apparatus है. Round bottom flask. वो आपको आगे में figure में बताऊँगी. If flask is not available, beaker can be used. अगर flask हमारे पास नहीं है तो beaker को भी use कर सकते हैं. Fill it 2/3 with water. उसके अंदर हमें 2/3 part, मतलब 66% आपको क्या करना है, तो water content fill up करना है. Place it on a tripod. Tripod मतलब कि जिससे हम three क्या होते हैं, उसके legs होते हैं, ऐसे tripod बोलते हैं. समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे laboratory में भी tripod छोटे छोटे होते हैं. आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ किस तरह से होता है. देखो यहाँ, इसे जो ग्लास का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क. दिस वन इज ट्राइपॉड, ठीक है, एंड दिस वन इज बर्नर. समझ में आ रहा है, नीचे जो फ्लेम दे रहा है वो क्या है, बर्नर है, ठीक है. आपको स्टैंड दिख रहा है जिसके ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क रखा है, तो उसे ट्राइपॉड बोलते हैं. ग्लास का जो ग्लासवेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, तो राउंड बॉटम फ्लास्क. चलो तो ऊपर चलते हैं. नाउ to make some arrangement to place this flask in such a way that you can heat in it by placing a candle below it. उसके नीचे हम candle भी रख सकते हैं या तो burner भी रख सकते हैं. Candle रखेंगे तो इतनी ज़्यादा heat हमें नहीं मिलेगी, मतलब कि slowly reaction होगा. But अगर burner रखेंगे, lab में burner की facilities है, तो हम burner भी रख सकते हैं. Wait till the water in a flask is still. तब तक हमें क्या करना है, चलो हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. वेट टिल द वाटर इन अ फ्लास्क इज स्टील. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. जेंटली यूज अ स्ट्रॉ. आपको क्या करना है, तो उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है उसको क्या करना है, पुट करना है. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. क्रिस्टल के नीचे मान लो कि मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या किया, ऐड किया, तो वो क्या फ्लास्क के बॉटम में क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा. तो मुझे हीट कहाँ पे देनी है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को मुझे यहाँ पे हीट देनी है. समझ में आ रहा है, अब तक तो वाटर को ही हम हीट दे रहे, पर अब जहाँ पे भी वो पोटेशियम परमैंगनेट फिक्स हुआ है उसको हीट मिले पहले, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, तो बर्नर को सेट करना है. देन चलो आगे. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे हमें क्या करना है, तो हीट देनी है. तो वाटर, तो वाटर कंटेंट तो हीट होगा ही होगा, ठीक है, बट हमें फ्लेम कहाँ पे रखनी है, तो जो क्रिस्टल प्लेस है ना वहाँ पे. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. आपने जो भी ऑब्जर्व किया होगा वो आपको लिखना है नोटबुक में. When water is heated, चलो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो when water is heated, the water near the flame get hot. Obviously water को हम हीट देंगे, ठीक है, water heat हो जाएगा, तो जो flame के बिल्कुल पास वाला water होगा वो क्या होगा, hot होगा. Hot water raises up. हमें ना कई बार आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो पानी नीचे से ऊपर ऐसे क्लाइम कर रहा होगा ना, वैसे आपको दिखाई देगा. समझ में आ रहा है, नीचे हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज़ कोई वेसल्स में पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें दिखाई देता है कि ज़्यादा पानी, मतलब नीचे वाला पानी गर्म हो गया होगा, हॉट हो गया होगा, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, वैसे हमें दिखाई देगा. The cold water from the side moves down toward the source of heat.
सोर्स ऑफ हीट को गेन करने के लिए जो अपर पोर्शन में कोल्ड वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो हॉट वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड रेजेस अप। सो वन बाय वन जो भी कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आएगा, हॉट होके ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये सारी प्रोसेस जब तक वेसल्स का पूरा पानी गर्म ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस रहती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन समझ में आ रहा है। हॉट वाटर राइजेस अप करेगा, कोल्ड वाटर कहाँ आएगा, बॉटम में आएगा। तो पूरी तरह से प्रोसेस किस तरह से है, हॉट वाटर राइज, ठीक है, हॉट वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा तो मूव करेगा, और जो कोल्ड वाटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो पूरी साइकिल जब तक पूरा वाटर हॉट नहीं हो जाता, हीट नहीं हो जाता, ठीक है, गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। एयर में किस तरह से हीट ट्रैवल कर रही होगी। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और कौन से डायरेक्शन में स्मोक जा रही होगी। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। जो हॉट सोर्स, मतलब मान लो कि हम कहीं पे भी चिमनियाँ देखी होगी अपने फैक्ट्रीज में, गांधीनगर साइड आप सब लोग गए होंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े से तीन चिमनियाँ आपको दिख रही होगी, पावर स्टेशन वाली, आई थिंक सबको याद आ गई, डन। तो वो क्या है, तो उसकी आसपास वाली जितनी भी एयर होगी ना वो क्या होगी, हॉट होगी। समझ में आ रहा है। तो जो सोर्स है ना हीट का, तो उसके आसपास एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे दे गेट हीट एंड रेजिस अप, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी, और जो कोल्ड पार्टिकल है वो वापस डाउनवर्ड में आएंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। इस आइडिया को फॉलोइंग एक्टिविटी करती है कन्फर्म। चलो ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं। 4.9 लाइट अ कैंडल। कैंडल को आप क्या कर रहे हो, तो उसको पहले आप लाइट करो, ठीक है। देन कीप ऑन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द, एक हाथ को आपको ऊपर रखना है, दूसरे हाथ को आपको साइड में रखना है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में दिया है 4.10 में। एक हाथ को ऊपर की तरफ टॉप पे रखना है और एक हाथ को साइड में रखना है। देन डू यू हैंड फील इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर। चलो यहाँ पे दोनों हाथ हमने रखे हैं, तो ऊपर वाला जो हाथ हमने टॉप पे रखा है वहाँ पे हमें गर्म मतलब कि हमारा हाथ, हमारे हाथ में हॉट फील हो रहा है, या तो साइड वाला हाथ है वहाँ पे हमें हॉट फील हो रहा है, और दोनों में हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किस में हमें फील हो रहा है। तो नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो टॉप है वो क्या है, हीटेड बाय कन्वेक्शन। सो ऊपर वाला जो हाथ होगा हमें ज़्यादा गर्म लगेगा एज कम्पेयर टू साइड वाला। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स। हाउ एवर देर इज अ नो कन्वेक्शन द एयर डज नॉट फील एज हॉट एज टॉप। दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा फील तो होगा, बट एज कम्पेयर टू बोथ सिचुएशन जो टॉप में हैंड है वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्म लगेगा। समझ में आ रहा है, डन। यहाँ तक समझ में आया कन्वेक्शन हम किसे बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक हमें फर्दर एक टॉपिक दिया है, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज मतलब कि जो रिवर बैंक्स होती है, ठीक है, सी बैंक्स होते हैं, ठीक है, बीच, तो वहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन होता है, हीट का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, और उसके बेसिस पे हम सी ब्रीज या लैंड ब्रीज इस तरह से वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एयर का जो फ्लो है उस पे डिपेंड करता है कि एयर का फ्लो कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन तक फ्लो करता है, ये जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डन। सो आपको अच्छे से समझ में आए।
सो वी विल मीट टुमारो विद दिस टॉपिक. सो आपको इजीली समझ में आए तो ये टॉपिक को हम पूरा टाइम दे सके, समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो वी विल मीट टुमारो विद दिस टॉपिक. थैंक यू.